Hello students, today I am going to start chapter 4 from SnapShots. Class 11th की जो English की book है SnapShot, उसका chapter 4 हम पढ़ेंगे. Chapter का नाम है Albert Einstein and his school. ये एक biography है जिसको Patrick Pringle ने लिखा है. इसमें Albert Einstein के school days के बारे में. Albert Einstein ऐसे एक इंसान थे, ऐसे great scientist थे, जिनका ये मानना था कि लर्निंग फैक्ट इज नॉट एजुकेशन, याद करना एजुकेशन नहीं है, बल्कि क्रिएटिंग आइडियाज, डेवलपिंग आइडियाज इज द एजुकेशन. अल्बर्ट आइंस्टीन को कभी ये पसंद नहीं था कि एक ही टीचर सभी बच्चों को एक साथ एजुकेट करे. वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल टीचिंग हो. अल्बर्ट आइंस्टीन शुरुआत से ही पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में उनकी जो रुचि थी वो फिजिक्स में, मैथ में ज्यादा हो गया और आगे चलकर वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट बने. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही समस्याएं झेली, बहुत ही प्रॉब्लम फेस किया. और वो जो समय था वो हिटलर का समय था, हिटलर से भी भागकर वो अपनी पढ़ाई करते थे. मतलब बहुत सारी समस्याएं उन्होंने फेस किया. अल्बर्ट आइंस्टीन के लाइफ में एक उनके फ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है जिसका नाम है यूरी, और एल्सा जो उसकी कजन सिस्टर थी. अल्बर्ट आइंस्टीन का इस चैप्टर में एक पर्टिकुलर पोर्शन दिया हुआ है, ये चैप्टर जो है एक्सट्रैक्ट किया हुआ है द यंग आइंस्टीन, जो बुक का नाम ये एक्सट्रैक्ट है. एक्सट्रैक्ट क्या होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ अ बुक. तो ये जो चैप्टर है वो एक्सट्रैक्ट है, और ये कहां से लिया गया है, द यंग आइंस्टीन नाम के बुक से लिया गया है. यंग आइंस्टीन एक बायोग्राफी है और इसी बुक से ये चैप्टर उठाया गया है, एक्सट्रैक्ट है. इसमें स्पेशली बताया गया है कि उनको जर्मन स्कूल से कैसे निष्कासित किया गया था, कैसे निकाला गया था. और ये बात अलग है कि जर्मन स्कूल से वो खुद निकल गए थे, ऐसी प्लानिंग की है, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो स्कूल है बहुत ही गंदा जगह है, क्योंकि यहाँ पर रटने वाली पद्धति है. यहाँ पर ये सिस्टम है कि आप किताब में देखो और उसको रटो, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था. अल्बर्ट आइंस्टीन मिस्टर ब्राउन जो थे वो डिस्ट्रिक्ट टीचर थे और मिस्टर कोच उनके मैथ्स टीचर थे. तो अक्सर उनकी जो बहस थी, उनके बहस होती रहती थी मिस्टर ब्राउन से, क्योंकि मिस्टर ब्राउन जो डिस्ट्रिक्ट टीचर थे वो चाहते थे कि अल्बर्ट डेट्स याद करे, फैक्ट्स याद करे, कितने सैनिकों ने कितने सैनिकों को मारा, कौन सा युद्ध कब हुआ, ये सब याद करवाते थे. और जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे ये सारी चीजें किताबों में लिखा है तो हमको उनको पढ़ने की क्या जरूरत है. अल्बर्ट आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर से बोलते थे कि अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, उसके रीजन क्या है, तो ज्यादा अच्छा प्रोग्राम होगा. अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा वर्ल्ड के पीस के बारे में बात करते थे, लड़ाइयों से वो बिल्कुल दूर रहते थे. अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि कितने सैनिकों ने कितने सैनिकों को मारा, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये जानना चाहिए कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक क्यों कर रहा है. तो इसी बात को सुनकर के मिस्टर ब्राउन नाराज हो जाते थे और हमेशा गुस्सा करते थे. एक मिस्टर कोच थे, मिस्टर कोच तो मैथ्स टीचर थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि मिस्टर कोच ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा मुझे इंस्पायर करते रहे, हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे. तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन स्कूल में पढ़ते थे, वहां उनके फादर बहुत गरीब थे और उनको एक बहुत ही गरीब झुग्गी बस्ती में रहते थे. तो जहाँ वो रहते थे वहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिलता था और लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते थे. तो उन्होंने अपने फ्रेंड यूरी से डिस्कस किया, उनके फ्रेंड का नाम था यूरी. तो उन्होंने यूरी से डिस्कस किया कि वो स्कूल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के फादर चाहते थे वो स्कूल में तब तक रहे जब तक डिप्लोमा पास न कर पाए. तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि डिप्लोमा पास करने के लिए रटना पड़ेगा और रटना उनको आता नहीं है, इसीलिए उनको विश्वास नहीं था कि डिप्लोमा पास कर पाएंगे. सिर्फ मैथ सब्जेक्ट में उनकी रुचि थी. तो यूरी ने कहा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिना रूम के रहते हैं और तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि वो कोई ना कोई तरीके से स्कूल छोड़ना चाहते हैं. फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात अपने कजन सिस्टर एल्सा से डिस्कस किया. कजन उनकी एल्सा थी. एल्सा ने कहा कि डिप्लोमा पास करना बहुत आसान है और कहा कि तुमसे बच्चे
जो तुमसे पढ़ने में कमजोर है वो डिप्लोमा पास कर जाते हैं। तो उसने कहा कि जैसे तोता कोई पैरट रट करके एग्जाम पास कर लेता है, उसी तरह से तुम्हें भी रट लेना है और जाकर के सुना देना है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा नहीं, मुझे ये भी पसंद नहीं है और ये मतलब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि डिप्लोमा पास करने के लिए रटना पड़ेगा और रटना मेरे बस की बात नहीं है, रटना मेरे बस की बात नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने फ्रेंड यूरी से कहा कि वो किसी ऐसे डॉक्टर का पता लगाए जो मुझे सर्टिफाई कर दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है, मुझे क्लास में जाने से घबराहट होती है, प्रॉब्लम होती है। तो यूरी ने कहा कि ठीक है, कैसे डॉक्टर का पता लगाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बहाना किया कि अगर कोई डॉक्टर ये लिख कर दे दे कि तुम्हें स्कूल जाने से घबराहट होती है, परेशानी होती है, तब उनको स्कूल जाने से वो बच जाएंगे। तो इस तरह से यूरी ने पता लगाया कैसे डॉक्टर का जो कि नर्व स्पेशलिस्ट हो। फिर यूरी ने कहा कि तुम डॉक्टर को बेवकूफ मत समझना, मतलब उसके आंख में धूल मत झोंकना, मतलब तुम्हारे अंदर जो बीमारी है उसको शो मत करना क्योंकि वो एक डॉक्टर है। यूरी ने कहा कि मैंने एक डॉक्टर का पता लगा लिया है जो कि हाल ही में उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन तुम्हें अपनी बीमारी या अपनी प्रॉब्लम, एक्चुअली उनको बीमारी नहीं थी, तो अपनी प्रॉब्लम को तुम्हें साफ साफ बताना है। फिर वो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बात किया, कहा कि मुझे पता है कि एक एज ए स्टूडेंट तुम क्या फील कर रहे होगे। डॉक्टर ने कहा कि मैंने भी हाल ही में पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है, इसीलिए ये बताओ कि तुम कितने दिनों के लिए छुट्टी चाहते हो। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने कहा कि तुम कितने दिनों के लिए छुट्टी चाहते हो, तो क्या 6 महीने पर्याप्त रहेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत खुश हो गए और उनको 6 महीने का एक रेफरेंस मिल गया जिसके आधार पर वो स्कूल जाने से बच सकते थे। डॉक्टर ने ये लिख कर दे दिया कि कम से कम 6 महीने इसको रेस्ट करने के लिए चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रॉब्लम को समझता था। इसके बाद यूरी ने सजेस्ट किया कि जो मिस्टर कोच हैं मैथ्स टीचर, उनसे आप ये रिकॉल लेना कि तुम्हें अपने क्लास का मैथ्स पूरा आता है, बल्कि हायर स्टैंडर्ड का भी आता है, तो मैथ्स टीचर मिस्टर कोच के रेफरेंस के आधार पर तुम किसी इटालियन कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो। और यही अल्बर्ट का प्लान भी था, क्योंकि अगर वो अपने फादर से कहते तो फादर कहते कि तुम्हें स्कूल में रहना है और जब तक तुम्हारा डिप्लोमा पूरा ना हो पाए, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन तुरंत स्कूल छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने एक मैथ्स टीचर थे मिस्टर कोच, तो मिस्टर कोच से ये लिखवा लिया कि वो मैथ्स में एक्सपर्ट है और उनको अपने क्लास की तो मैथ्स आती है बल्कि हायर क्लास की भी मैथ्स आती है। और ये सच था, मिस्टर कोच ने ये लिख कर दे दिया कि अल्बर्ट आइंस्टीन को अच्छे से मैथ्स आता है। और इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन को एक तरह से रेफरेंस मिल गया। अब उन्होंने ये प्लान किया कि वो हेडमास्टर से मिल करके और अपना सर्टिफिकेट दिखा देंगे और हमेशा के लिए स्कूल को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो इससे पहले कि वो हेडमास्टर से मिलने जाते, हेडमास्टर ने ही अल्बर्ट को बुला लिया। अल्बर्ट समझ नहीं पाए कि वो मुझे क्यों बुलाया गया है, लेकिन मन ही मन समझ गए कि मुझे बैड बिहेवियर के लिए और इनडिसिप्लिन के लिए शायद मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। इस वजह से वो हेडमास्टर से मिलने चले गए। जब हेडमास्टर के पास गए तो हेडमास्टर ने कहा कि तुम्हें स्कूल से निष्कासित किया जा रहा है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन को लगा कि जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट वो इकट्ठा किए हैं वो बेकार हो गया। एक पल के लिए अल्बर्ट ने सोचा कि वो हेडमास्टर के बारे में क्या सोचते हैं, स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार बता दे, लेकिन फिर वो रुक गए। हेडमास्टर ने कहा कि तुम्हारे स्कूल में रहने के कारण कोई भी टीचर ठीक से पढ़ा नहीं पाया और कोई भी बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए, इसीलिए तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत बुरा लगा कि वो खुद स्कूल छोड़ना चाहते थे। उसके बाद से वो वहां से चले आए, पीछे मुड़कर नहीं देखे, और जाने से पहले उन्होंने एक बार यूरी से मुलाकात की, क्योंकि एल्सा अभी वहां पर नहीं थी, एल्सा भी चली गई थी अपने फादर के पास। तो इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ दिया और इटली में जाकर एक बड़े स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। आगे चल करके आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का E=mc2 ये फार्मूला बहुत ही फेमस हुआ और इसके वजह से वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, उन्होंने
उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर रिसर्च किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का शुरुआती जीवन बहुत ही खराब रहा, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। थैंक यू वेरी मच।